हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सब बढ़िया होंगे। फ्रेंड, हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के चार्ट में। देखें कल हमें एक्सपायरी में किस तरह का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बाकी जो भी मेंबर आज मेरे साथ लाइव रहे, जो भी मेंबर ने लाइव ज्वाइन किया था, तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका एक्सपीरियंस किस तरह का रहा है। ठीक है, जब भी आप मार्केट में लॉस करते हो या प्रॉफिट करते हो, तो डेफिनेटली मार्केट आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। तो कमेंट सेक्शन में ये बताना कि आज आपने मार्केट से क्या सीखा। ठीक है, काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट हमें देखने को मिले आज के दिन में। अगर आप देखोगे तो हमने मॉर्निंग का लगभग एक घंटे का जो मोमेंटम था उसको छोड़ दिया। ठीक है, मीन्स ये दो बड़े कैंडल्स जो थे, जो दो तीन बड़े कैंडल्स, ये हम ट्रेड नहीं किए थे। तब मैं लाइव में नहीं था, 10 बजे के लगभग हमने ज्वाइन किया था। ठीक है, उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो लगभग हमने 400 पॉइंट कैप्चर किए हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में। ठीक है, ये वाला ट्रेड जो था आपका, ठीक है, ये ट्रेड हमने बिल्कुल ईजी कैप्चर किया। उसके बाद ये ट्रेड हमने बिल्कुल ईजी कैप्चर किया। ठीक है, कॉल साइड हमने ज़्यादा कुछ प्लान किया नहीं था, एक स्टॉप लॉस 5 पॉइंट का दिया है, बट अच्छा खासा मोमेंटम हमें निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में देखने को मिला। जो भी मेंबर्स ने ज्वाइन किया था, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या सीखने को मिला आज के दिन में मार्केट से। ठीक है, अगर हम देखेंगे निफ्टी का चार्ट, तो निफ्टी के चार्ट अगर आप देखोगे, रिसेंट हमने डिस्कस किया था, ये आपका ट्रेंड लाइन रहने वाला है। अगर इसके नीचे क्लोज आएगा तो हम शॉर्ट प्लान करेंगे। तो सेम आज देखोगे तो इसी ट्रेंड लाइन के नीचे आपको एक शॉर्ट एग्जीक्यूट हुआ होगा। ठीक है, सेम ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग आई है, उसके बाद ये मोमेंटम आपको वन वे देखने को मिला है। ठीक है, टारगेट हमारे फर्स्ट टारगेट 18,080 थे, सेकंड टारगेट आपका 18,000 के लगभग था। ठीक है, यहाँ पे आपको 18,000 के लगभग का लो लगता हुआ दिखा है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे एक बार। ओके, ठीक है, अभी के टाइम पे आपका मेजर रेजिस्टेंस एरिया जो रहने वाला है 18,080। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 18,080 to 18,090, ये रेंज में आपका एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। उसके बाद आपका मेजर रेजिस्टेंस एरिया रहेगा 18,130 to 18,160। ठीक है, यहाँ पे प्राइस ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है। तो ये एरिया बायर्स के लिए, अगर आपको लॉन्ग ट्रेड करना है तो ये एरिया निकलना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 18,130 के ऊपर निकलता है तो उसके बाद हम लॉन्ग साइड कुछ ना कुछ प्लान करेंगे। अगर कल के दिन में मार्केट हल्का फुल्का गैप अप ओपन हो जाता है ये रेंज के लगभग, फिर से आपको यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। ठीक है, और ये रेंज के लगभग अगर कंसोलिडेट करता है, 18,020 की रेंज में कंसोलिडेट करता है, उसके बाद ये ब्रेक डाउन करता है, तो 18,000 एक साइकोलॉजी लेवल रहेगा। यहाँ पे भी आपको एक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, बट अगर आपका हल्का फुल्का गैप अप ओपन होगा तो आपको यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, जो आपको 18,000 के लगभग लेके जा सकता है। 18,000 में अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कुछ बुलिश पैटर्न बन जाता है, ठीक है, या हेड एंड शोल्डर इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन जाता है, इस तरह का कुछ पैटर्न बनता है, तभी आप यहाँ से रिवर्सल प्लान करोगे। अगर रेंज बनता है, रेंज बनने के बाद ब्रेक डाउन करता है, तो आपको अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर मार्केट में देखने को मिलेगा, जो आपको 17,950-900 की रेंज में लेके जा सकता है। बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट 43,500 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए। ठीक है, तभी हम अपसाइड के लिए यहाँ पे प्लान करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल काफ़ी अच्छा बना, उसके बाद क्लोजिंग देने के बाद आपका सेकंड कैंडल में आपका जो है स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। ठीक है, दूसरा हमने डिस्कस किया था, अगर मार्केट 43,350 के नीचे निकलता है, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे 43,350 के नीचे निकलता है, तो आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, जिसमें आपके टारगेट 43,200 and 43,100 की रेंज में रहने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ भी बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला। ठीक है, ये दोनों ट्रेड हमने काफ़ी अच्छे कैप्चर किए हैं। ये वाला ट्रेड देखोगे अच्छा खासा मोमेंटम कैच किया हमने, ये वाला ट्रेड भी हमने अच्छा खासा मोमेंटम कैच किया। ठीक है, जो ये लॉन्ग ट्रेड था, ये लॉन्ग ट्रेड हमने बिल्कुल डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि मार्केट जब भी पुल बैक करता है तो पुल बैक में आपको ये गारंटी नहीं रहता कि मार्केट कहाँ से रिवर्स हो सकता है। इसलिए आपको ये प्लान करना है कि मार्केट ये रेंज में जाएगा, मैं सेलिंग के लिए प्लान करूँगा। ठीक है, मार्केट वहाँ पे आधा घंटा लगा के पहुँचे, एक घंटा लगा के पहुँचे, लेकिन जब भी मार्केट आपकी रेंज में आएगा, उसके बाद आपको इस तरह के एक सेलिंग कैंडल देखने को मिलते हैं, जो हमने काफ़ी अच्छा कैच किए हैं। ठीक है, कल अगर हम बैंक निफ्टी का देखेंगे तो कल किस तरह का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन हो जाता है, सॉरी गैप अप ओपन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट फिर से सेम रेंज में आ जाएगा, तो एक साइडवेज एक्सपायरी के चांसेस रहेंगे। ठीक है, जिसका ट्रेड हम लगभग 1 बजे के बाद ही आपको ट्रेड में अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर मार्केट हल्का फुल्का गैप अप ओपन होता है 43,000 के नीचे, ठीक है, फिर से आप 42,950 के नीचे कुछ क्वांटिटी शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट आपका 42,830 and 42,750 की रेंज में रहना चाहिए। ठीक है, अगर अपसाइड के लिए अगर कुछ प्लान करना है किसी को शॉर्ट टारगेट, 43,000 के ऊपर हल्का सा आप लॉन्ग प्लान कर सकते हैं, जिसमें आपके टारगेट 43,100 के लगभग रहने चाहिए। ठीक है, मेजर अगर आप बाइंग के लिए कुछ प्लान कर रहे हो, तो मेजर बाइंग के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है,
ये एरिया आपका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया रहने वाला है, ठीक है। 43,200, 43,200 के ऊपर अगर निकलता है तभी आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो आपको 43,300 एंड 43,400 तक फिर से लेके जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं कि भाई यूएसडी की, ठीक है, यूएसडी भी आप देखोगे तो सेम उसी तरह का स्ट्रक्चर है, कुछ खास बदलता हुआ नहीं दिख रहा है इसमें, ठीक है। ऊपर नीचे ही चल रहा है, सेम काफ़ी टाइम से एक ही रेंज में बना हुआ है, ठीक है। इसमें भी आपको वेट करना पड़ेगा, 82.60 या 50 के नीचे क्लोज करेगा तभी आपके मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा, ठीक है। ऊपर आप देखोगे तो 82-83 के ऊपर क्लोजिंग आना चाहिए, तो मार्केट थोड़ा सा बेरिश आपका हो सकता है, ठीक है। डाउ जोन्स अगर हम देखेंगे तो कल डाउ जोन्स का मार्केट सेम डोजी ही बनाया, ठीक है, ये कन्फ्यूजन कैंडल बना है इसमें भी, तो कहीं ना कहीं हो सकता है मार्केट आपका कल भी अगर फ्लैट ओपनिंग या गैप अप हल्का फुल्का हो जाता है तो सेम एक साइडवेज एक्सपायरी के काफ़ी ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं, ठीक है। नैस्डैक भी सेम स्पोर्ट एरिया के लगभग है, तो इसका भी स्ट्रक्चर उसी तरह का है, ठीक है। आज मार्केट ओपन होगा तो इसके बाद रिएक्शन देखना पड़ेगा कि आज का रिएक्शन किस तरह का रहेगा, ठीक है। डाउ का जिस तरह का कैंडल है मुझे लग रहा है फ्लैट ओपनिंग होना चाहिए, उसके बाद कैंडल में ज़्यादा कुछ हरकत नहीं होगी, ठीक है। अपसाइड डाउनसाइड मुझे लग रहा है कि सेम रेंज में ही मुझे लग रहा है क्लोजिंग दिखनी चाहिए जो आज की कैंडल रहेगी, ठीक है। फिर भी हम देखेंगे कि डाउ जोन्स किस तरह का स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर इसको एनालाइज करेंगे तो लास्ट कैंडल में एक हल्का फुल्का ये रेंज निकाला है, ठीक है। ऊपर रेजिस्टेंस एरिया 33,300 रहेगा, तो नीचे आपका सपोर्ट एरिया 32,900 रहने वाला है, तो मुझे लग रहा है इसी रेंज में आपको एक क्लोजिंग देखने को मिलेगा जो हमारी मार्केट को भी कल फ्लैट ओपनिंग दिखा सकता है। हो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, थैंक यू। बाकी जो भी मेंबर्स ने लाइव ज्वाइन किया था तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आज आपने क्या सीखा।